ओके तो आ गया इसका मास कितना होगा, हाउ टू गेट द मास। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? यस सर। वेट कितना होगा, चलो वेट बताओ, वेट ऑन द मून। वन सिक्स ऑफ टेन है ना, तो यस सर। ठीक है, मास हाउ टू गेट द मास। वेट इज इक्वल टू मास इनटू मास, जो अर्थ सरफेस पे है, मून पे रहने वाले। वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, तो अर्थ पर कितना है, 10, वही मून पर रहेगा। हाँ ओके सर, हाँ चलेगा। तो 10 डिवाइड बाय 9.8 क्लोज टू 1.11 समथिंग। यस सर, है ना। तो वेट जो है, मास विल नॉट चेंज, सेम विल बी एट, सेम विल बी एट मून और एनीवेयर एल्स। यस सर नो? यस यस सर। 1.02 आएगा जी। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज द वन मोर क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चंस। What are the difference between mass of an object and its weight? So just now we have discussed, na, mass and weight mein kya difference hota hai? We have done it. Second question dekhenge. What is the weight of an object on the moon? Why the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth? Kyun aisa? Weight moon par 1/6 kyun ho jata hai? मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है, क्योंकि मास कम है अर्थ से बहुत ज्यादा, और वो कम फोर्स अर्थ का भी। ओके, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस, देयरफॉर वेट इज लेस, है ना। वेट इज लेस एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मास एंड रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो इसीलिए वेट कम होता है। बट मास जो है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, इट इज कांस्टेंट, एंड वेट डिपेंड करता है जी पर। अर्थ के सेंटर में चले जाएंगे तो मास वही रहेगा और वेट विल बी जीरो। अर्थ के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है, अर्थ के अंदर जाते हैं ना, तो इट डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज, ऐसा ग्राफ आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस आर के साथ, सेंटर में जीरो होती, सरफेस पर मैक्सिमम होती, फिर कम होती इनफाइनाइट पर, फिर से जीरो होती। ये 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन डिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के अंदर डिक्रीज होती, शार्पली डिक्रीज हो रही, सेंटर में जीरो हो जाती और इनफाइनाइट पर जाके जीरो होती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लाइक दिस ग्राफ कम्स, ठीक है। तो सेंटर में, अर्थ के सेंटर में, यहाँ पे आर विल बी जीरो सेंटर में, ठीक है। तो इट इज जीरो एंड इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस, एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन यू गो अबव द अर्थ सरफेस, एंड व्हेन यू रीच टू इंफिनिटी, देन ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल बिकम जीरो। ऑल राइट, तो वर्ल्ड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ ग्रेविटी, वी कैन कॉल इट ग्रेविटी, है ना, स्मॉल जी। ओके, नहीं स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन है,
ये फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वी कैन कॉल इट फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी है ना। जस्ट चेक योर बुक्स, अपनी तुम्हारी बुक्स में कुछ दिया क्या इसका पर्टिकुलर आंसर, तो बुक में चेक करके बताओ मुझे नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज द नेम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, है ना, क्योंकि वो ही लिखना है जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा होता है ना। वी शुड, वी आर सपोज टू राइट दैट ओनली, दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। कभी भी कंट्रोवर्सी आती है ना तो एनसीईआरटी बुक्स विल बी चेक्ड, जैसा उसमें लिखा है वही आंसर विल बी टेकन फाइनल आंसर, है ना। फिर चेक करना थोड़ा सा, आई हैव नॉट चेक्ड इट, बट इट शुड बी ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन, अमित बाय सम ग्राम्स ऑफ द गोल्ड एट पोज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स him at the equator, will the friend agrees with the weight of the gold bought, if not why? जो उसने पोल्स पे खरीद के लाया है वो इक्वेटर पे सेम रहने वाला है वेट की कुछ चेंज हो जाएगा, कम होगा या बढ़ेगा या क्या होगा? सही, इक्वेटर पे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, पक्का? हाँ सर, बढ़ जाएगा। एफ जी ग्रेटर रहता है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द व्हाट हिंट दे आर गिविंग अस। सपोज द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। हां, तो जब हम पोल्स पे खरीदेंगे m into g, है ना, ऐसा वेट इज व्हाट m into g, ठीक है, तो पोल्स पर वेट इतना हो जाएगा, और वेट एट इक्वेटर विल बी less than it, since acceleration due to gravity at the equator is less than acceleration due to gravity at pole, therefore weight at poles and weight at equator will be different, equator per weight at equator will be less than weight at poles, to kam ho jayega usko, hai na, to his friend, will the friend agree? He will not agree, hai na, he will say it is less, वहां पे जब चेक करेंगे कम दिखाएगा वहां पे, है ना, तो हिज फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड देयर, है ना, सो इट इज बेटर टू बाय द गोल्ड एट द एट वेयर इक्वेटर, यू विल गेट मोर मास देयर, है ना, मोर मास, लेस जी मोर मास, and sell it to the equator, sell it at poles, hai na, equator pe purchase karo, poles pe jaake bech do usko, but nowadays digital machines are there, hai na, to which can measure accurately at everywhere, hai na, okay, then this, theek hai, नेक्स्ट वन इज व्हाई विल द शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू द बॉल, पेपर को ऐसे उसको ऐसे बॉल बना के फेंको थ्रो, है ना, उसको क्रम्पल कर दे बॉल के फॉर्म में, है ना, क्रश करके फेंको, तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, पेपर का एरिया मोर है, air resistance will be more slowly, density change ho jayegi kya, why the density will change, volume hai na, volume uska kam kar diya tumne, volume to kam nahi kiya, surface area, density will remain same paper ki, hai na, usko crush kar do ya let it be in the shape of the sheet, density is not going to change and बट सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, है ना, देयरफॉर इट विल फॉल फास्टर व्हेन क्रश्ड इनटू द शेप ऑफ द बॉल, विल फॉल फास्टर एज कंपेयर टू शीट ऑफ द पेपर। बाय द वे, हाउ डू वी डिफाइन द डेंसिटी, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बोलो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं,
डेंसिटी द रेशियो ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम. तो रेशियो ऑफ द मास टू द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो शीट का वही रहने वाला है ना. सरफेस एरिया विल डिसाइड द एयर रेजिस्टेंस. गॉट इट? यस सर. लेस एयर रेजिस्टेंस. तो शीट ऑफ पेपर का मोर एयर रेजिस्टेंस है ना. यस सर. मोर एयर ज्यादा है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने के अभी टाइम हो गया कि तुम लोग क्लास ज्वाइन करना है अभी? हाँ सर, मुझे करना है. हाँ, ये 12th वाला होमवर्क में ट्राई करना, कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया. देन वी कम टू द पार्ट दैट फ्लूइड वाले पार्ट में. आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड प्रेशर एंड थ्रस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, देन शैल आई एंड इट? ओके, 12 एंड 13 ट्राई करना तुम लोग दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज. यस सर. चलो, ओके देन. थैंक यू सर. क्या बोलते, कौन सा एग्जामिनेशन है वो? पीरियोडिक. तो उसमें कोर्स कितना है? फिजिक्स का कितने चैप्टर्स हैं? कौन कौन से हैं? एक ही चैप्टर है, मोशन शायद से. ओके, ठीक है, मोशन का अपना एक टेस्ट और हो जाएगा तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, है ना. चलो यस सर. ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, बाय.